Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. I hope you are attending the classes regularly. आप हर रोज नोट्स बना रहे हो, हर रोज समझ रहे हो और हर रोज कॉमेंट भी कर रहे हो. तो आज है 30th July, अगस्त आने वाला है एंड यू नो जून से ही ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट जितने एग्जाम्स 2024 में होने वाले हैं या फिर इवन 2024 के एंड में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जून से लेकर दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो प्लीज़ बी रेगुलर एंड ऑब्वियसली उसके बाद भी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक रेगुलर रहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप आप हमारी वेबसाइट edugiri.com देख चुके होंगे. एजुगिरी हेयर पे हम टेलीग्राम पर हैं और आई एम एजुगिरी के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. CBI नेम्स केजरीवाल इन फाइनल चार्जशीट इन एक्साइज पॉलिसी केस. तो एक्साइज पॉलिसी केस कौन सा था? अल्कोहल, लिकर. लिकर के अंदर घपला किया है, लिकर से रिलेटेड कि जिनको भी देना था वो दिया और इंटर्न उनसे पैसे लिए. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 90 to 100 crore का ये घोटाला है जिसके अंदर जो पैसा आपने रिसीव किया है और वो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ किया पैसा. तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन मंडे नेम्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अलॉन्ग विद 5 others in its final charge sheet in its Delhi excise policy case. मतलब charge sheet में अगर नाम आ गया मतलब भैया कुछ तो इसने गड़बड़ करी है. मतलब हाँ, अब हम हो सकता है अब हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रल ब्यूरो. सेंट्रल ब्यूरो, पता है क्या मतलब बहुत दिल टूटता है. वाई? बिकॉज जब अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट करी, ठीक है ना, करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी, ये बंदे ने उसको ज्वाइन किया बेचारे अन्ना हजारे जी को, ठीक है, और वो चीज़ होगी जिसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसके लिए खड़े हुए, ठीक है ना. तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, लोगों को बहुत उम्मीद थी बट नहीं. नोप्स. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेम्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल इन फाइनल चार्जशीट इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस. ठीक है ना, तो फाइनल चार्जशीट में भी इनका नाम जो है वो आ चुका है. इनके नाम के साथ साथ आम आदमी MLA हैं दुर्गेश पाठक, पी सारथ चंद्र रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ अरविंदो फार्मा उनका भी नाम आ चुका है. और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 90 to 100 crore वर पेड टू आम आदमी पार्टी, पेड टू आप. ठीक है ना, तो मतलब पूरी करप्शन यहाँ पर हुई है. 90 to 100 crore की करप्शन जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो हुई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के केस में. ठीक है जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो केस है उसके अंदर इतना वो हुआ है. ठीक है, आगे चलेंगे. द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिक्लाइंड ऑन एन अपील फाइल बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टू ग्रांट बेल अगेंस्ट बेल ग्रांटेड टू हेमंत सोरेन. अब हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन जो है, आप इसके बारे में नोट्स बना चुके हो तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रिवाइज़ कर लो. हेमंत सोरेन इज़ द CM ऑफ झारखंड. ठीक है ना, झारखंड के CM है. उसके बाद इनके अगेंस्ट लैंड स्कैम कि भैया पैसे लेकर लैंड जो है वो दे दिया, ठीक है ना, और खुद खा गए पैसे, वैसे कम में दिखाया, ऐसा सा कुछ किया इन्होंने. अब वो कह रहे हैं ED वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया था बट इनका नाम मतलब प्रूव नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने किया है. ठीक है, तो अब झारखंड हाई कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी. ठीक है ना, वो बेल जो है वो चैलेंज हो गई. कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बेल ही ठीक है, बेल ग्रांट होनी चाहिए. ये हुआ, ठीक है ना. तो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? हेमंत सोरेन. इतना ही है, आगे चलेंगे. SC issues notice to अजीत पवार on the question of real NCP. ठीक है, अब real NCP का क्या question है? यहाँ पर आज हम एक constitution का topic cover कर देंगे, that is anti-defection law. किसको पता है anti-defection law के बारे में? पता है anti-defection law? anti-defection law के बारे में हम पढ़ेंगे. चलो यहाँ पर सबसे पहले anti-defection law के बना लेते notes, अलग से page बना लेते. चलो अलग से यहाँ पे अलग शीट ले लिया मैंने. यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कौन से लॉ की? एंटी डिफेक्शन लॉ की. तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो क्या है? व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि डिफेक्शन क्या होती है. व्हाट इज डिफेक्शन? तो डिफेक्शन होता है व्हेन इलेक्टेड MP
और एमएलए चेंजेस पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। अब एक बंदा है वो बीजेपी का था, ठीक है, कुछ नहीं है वो कहीं से, ना वो एमपी है ना वो एमएलए है, ठीक है, पार्टी चेंज कर ली, डिफेक्शन होगी नहीं, इलेक्टेड एमपी एमएलए। एमपी कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। और एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स में होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होती है, सीएम और जो तुम्हारे एरिया का एमएलए है, ठीक है ना, ये क्या होती है? स्टेट्स के अंदर होती है। तो मतलब अगर स्टेट में या सेंट्रल लेवल पर कोई इलेक्टेड एमपी एमएलए वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज करे तो उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। एक बात ये हुई। दूसरी बात एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कहाँ पे हो रखी है? सॉरी फॉर द वर्ब, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये हमेशा से इसका पार्ट था, बाद में ऐड हुआ। ये हमेशा से इसका पार्ट नहीं था, बाद में ऐड हुआ। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये ऐड हुआ, ठीक है जी। उसके बाद इट सेट्स अ प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी का, अब देख लो, डिफेक्शन मैंने बता दिया, डिफेक्शन कैन लीड टू, डिफेक्शन मतलब चेंजेस ऑफ पार्टी कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो क्या हम दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं, बट एक बार जो वो वाले इलेक्शन थे उसमें से आप जाओगे, यू कैन फाइट इलेक्शन, ठीक है ना, कैन फाइट इन री इलेक्शन। जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तो दोबारा से लड़ सकता है, बट एक बार के लिए डिस्क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। बट यहाँ पर कभी कभी डिफेक्शन नहीं होती है, कभी कभी डिफेक्शन नहीं होती है। तो जो 1985 का अमेंडमेंट था उसमें क्या लिखा गया? उसके अंदर लिखा गया अ डिफेक्शन बाय, लिखेंगे अ डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी of a political party was considered as a merger, मतलब अगर एक इकलौता दो जा रहे हैं तो फिर वो नहीं है, बट अगर 1/3 members of elected members of one political party are going to another political party, उसको merger बोलेंगे, and no disqualification। ऐसा होगा तो disqualification नहीं होगी, क्योंकि वो defection नहीं मानी जाती। वो कह रहे हैं कि भैया कुछ ज़्यादा ही दुखी हुए होंगे जो इतने सारे उठ के चले गए, ठीक है, तो वो merger होता है। पहले 1/3 था, फिर ये चेंज करके 1/3 से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसके अंदर क्या हुआ? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 हुई, और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर 1/3 की जगह कहा गया कि अगर चेंज दिस एंड उसके जगह कहा गया 2/3, इफ टू थर्ड्स of the members of a party, must be in favor of merger। मतलब अगर इतने 2/3 members उठ के जाके merge करते हैं दूसरी पार्टी में तो it would be not defection and it won't lead to disqualification। defection कब होगी? अगर disqualification कब होगी? अगर defection है, but अगर इतने members उठकर जा रहे हैं तो वो कहते हैं defection नहीं है, therefore disqualification नहीं होगी, ठीक है। अब ये decide कौन करता है कि भैया disqualification होगी, defection है या नहीं, ठीक है ना। तो disqualification लिखेंगे, disqualification on ground of defection are referred to the chairman or the speaker of such house, ठीक है ना। जो जहाँ पर ये हो रहा है वहाँ के जो चेयरमैन या स्पीकर हैं उनके पास ये पावर है, एंड बिल्कुल डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कैन बी चैलेंज्ड
इन द कोर्ट्स, कोर्ट्स में जो है बिल्कुल चैलेंज हो सकता है. तो ये है आपका 10th शेड्यूल, ये है आपका पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि अगर एक इलेक्टेड एमपी एमएलए जो है वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ले, कैन लीड टू डिसक्वालिफिकेशन. 10th शेड्यूल में है ये, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. 1985 के अंदर कहा गया था जो ये 52nd शेड्यूल पहली बार, कि 1/3 मेंबर्स अगर एक पार्टी से उठ के दूसरे में जाते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, फिर ये 2/3 कर दिया गया 1/3 की जगह. ठीक है, कब किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कर दिया गया. स्पीकर का डिसीजन होता है इसके ऊपर कि डिफेक्शन हुआ है या नहीं, ये चैलेंज कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, चैलेंज नहीं जुडिशियल रिव्यू. ठीक है ना, तो ये है. अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, एससी इश्यूज नोटिस कि रियल अजीत पवार कौन है. तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ उसकी. तो महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. कौन है, एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. कौन है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है. अब जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है दैट इज एनसीपी जो है, ठीक है ना, उसके दो फैक्शंस हो गए. एक हो गया अजीत पवार, दो फैक्शन मतलब ग्रुप्स बन गए, और एक हो गया शरद पवार, दो ग्रुप्स बन गए. ठीक है ना, अब ये दोनों कहते हैं हम रियल एनसीपी है, ये भी कहता मैं रियल एनसीपी हूँ. ठीक है ना, ये भी कहते हैं कि मैं रियल एनसीपी हूँ. ठीक है ना, ये दोनों कहते हैं कि हमारी पार्टी है, ये दोनों कुछ ऐसा ही भतीजा मतलब रिलेटिव्स हैं. ठीक है, अब ठीक है, अब जब ऐसा सा कुछ होता है कि अब इतने सारे मेंबर्स उठ, मतलब ये यहाँ पर डिफेक्शन भी ये है, कहें इसको डिफेक्शन से कुछ अलग ही है कि दो पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं कि ये रियल मेरी है, ये मेरी है. जो इसको भी डिफेक्शन वाले उसके अंदर लेकर के कहा गया कि जो स्पीकर ऑफ हाउस है वो डिसाइड करे कि रियल एनसीपी कौन है. ठीक है ना, तो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उसके राहुल नवकर कुछ ऐसे हैं, उन्होंने बोला, नरवेकर, उन्होंने बोला कि रियल अजीत पवार जो हैं वो रियल एनसीपी हैं, उनके साथ ज़्यादा लोग हैं या कुछ भी है वो रियल एनसीपी हैं. ठीक है, अब रियल एनसीपी स्पीकर ऑफ हाउस ने रियल एनसीपी की पार्टी किसकी बनती है, अजीत पवार की बनती है. ठीक है ना, तो अब अजीत पवार जी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपने हाथ जो है वो बीजेपी और उनके साथ मतलब इनके साथ मिल गए, बीजेपी और शिवसेना जो है उनके साथ मिल करके वो डिप्टी सीएम बन गए. ठीक है, अब ये तो खुश हो गए, बट अब ये नाराज़ हो गए शरद पवार. शरद पवार जो हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट कि देखो ये इन्होंने क्या किया है, हम है रियल एनसीपी, ऐसे कैसे कर सकते हैं. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, तो ये पढ़ते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार एंड हिज 40 एमएलएज टू रिस्पॉन्ड टू अ पिटिशन फाइल्ड बाय शरद पवार फैक्शन ऑफ द एनसीपी चैलेंजिंग असेंबली स्पीकर राहुल नरवेकर डिसीजन कन्फर्मिंग द यंगर पवार स्कैम्प एज रियल. यंगर पवार की रिलेटिव है, यंग, ये यंग है, ये ओल्ड है, तो यंगर वाले को इन्होंने बोल दिया कि रियल वो है. सुप्रीम कोर्ट कहते अब जवाब दो, इन 40 एमएलएज गए इनके साथ. द स्पीकर हैड रिजेक्टेड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन. स्पीकर ने कहा कि ये डिफेक्शन नहीं है, क्योंकि डिफेक्शन नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल कैन नॉट बी यूज टू स्टिफल इंटरनल डायसेंट द स्पीकर हैड नोटेड वाइल ऑल्सो होल्डिंग दैट अजीत पवार ग्रुप हैड ओवरवेलमिंग लेजिस्लेटिव मेजोरिटी. 41 आउट ऑफ 53 41 मेंबर्स किसके साथ हैं, अजीत पवार के साथ हैं. ठीक है ना, तो ये अभी चल रहा है महाराष्ट्र का. तो अगर आप थोड़ा बहुत इसमें ये डायग्राम नोट करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो आपको जो स्टोरी मेन है या फिर 10 शेड्यूल जिसमें से क्वेश्चन निकल सकता है वो मैंने आपको पूरा लिखवा दिया. उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ऑन मंडे लेमेंटेड दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाउटेड एज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने फेल हो गए एज थूथुकुड़ी में जो फायरिंग हुई थी. तो यहाँ पर ये स्टील प्लांट है, स्टरलाइट पावर प्लांट है, स्टील नहीं स्टरलाइट पावर प्लांट है, वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि इट फेल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या रखना है कि 2018 में थूथुकुड़ी फायरिंग हुई थी. ठीक है ना, स्टरलाइट, वेदांता स्टरलाइट प्लांट, ठीक है, तमिलनाडु में. तो अभी जो भी इसका बोलेंगे वो करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि फायरिंग हो गई थी, लोगों ने कहा ये पॉल्यूशन कर रहे हैं स्टरलाइट वाले, ये वेदांता का प्लांट है, अब तो बंद हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये बंद ही होगा अल्टीमेटली. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. द ट्रैजिक एक्सीडेंट, आई नो ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं इसको. द ट्रैजिक एक्सीडेंट एट आईएएस कोचिंग सेंटर
इन न्यू दिल्ली वेयर फ्लडिंग लेड टू 3 IAS एस्पिरेंट्स डाइंग वॉज अ लार्जली मैन मेड. अब यार यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं कि 3 नई 9 एस्पिरेंट्स की डेथ हुई है. बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी वायरल हो रखी हैं जिसमें लोगों ने बोला है कि नहीं 9 डेड बॉडीज जो हैं वहाँ से निकली हैं और ये 3 बोल रहे हैं. अगर ऐसा है तो बहुत ही मतलब कितनी बड़ी बात है यार. मतलब ठीक है. उसके बाद सच इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग फीचर ऑफ लोकलाइज्ड अर्बन फ्लडिंग. तो वो कह रहे हैं फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. बेसमेंट के अंदर जो बिल्डिंग्स हैव लिमिटेड असेस और लिमिटेड वेंटिलेशन की हवा की जो क्रॉस होता है वो भी कम होता है. इन जनरल रूल डू नॉट परमिट बेसमेंट के अंदर आप हैबिटेशन नहीं परमिट कर सकते. लोग नहीं रह सकते वहाँ पर. आप उसको स्टोरेज पार्किंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जनरेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हो बट हैबिटेशन के लिए नहीं इंक्लूड कर सकते. हैबिटेशन का मतलब है कि वहाँ पर ऑफिसर्स और रेजिडेंट जो है बेसमेंट में अलाउड नहीं है. शॉप्स आर सैंक्शन स्पेशली इन मॉल्स और मिक्सड यूज बिल्डिंग्स बट ये नहीं अलाउड है. मतलब आप बेसमेंट को बेसमेंट के अंदर क्या लाइब्रेरी को हैबिटेशन माना जाएगा. अब ये क्वेश्चन है कि अगर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनाई जा रही है तो वो क्या हैबिटेशन मानी जाएगी. तो ये एक क्वेश्चन है. ठीक है ना. तो अभी देखते हैं इसमें क्या डिसाइड होता है क्या नहीं. इसमें से कुछ नोट करने वाला नहीं है. ठीक है ना. बट हाँ ये इंसिडेंट जो है ये दिल्ली में हुआ है. अब आगे चलेंगे. यहाँ पर NLSAT वाले जो हैं उनका ये क्वेश्चन बन सकता है लीगल आंसर राइटिंग का. ठीक है ना. वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड ऑल्सो गाइस लीगल आंसर राइटिंग का जो कोर्स है वो लाइव हो गया है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं logree.in पर वो कोर्स जो है वो लाइव है. आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बाद आगे चलेंगे. इंडियन अथॉरिटीज़ हैव प्रॉमिस्ड मोर वीज़ास टू चाइनीज़ टेक्नीशियंस. अब क्यों आपको कहे हमारे यहाँ पे जॉब नहीं हमारे यहाँ पे लोग खाली बैठे हैं चाइनीज़ को क्यों लेकर आना. क्योंकि चाइनीज़ को पता है कि मशीन्स कैसे ऑपरेट होंगे और वो मशीन्स हमारी अब कंपनी है तुम्हारी. ठीक है ना. ऐसा सोचो तुम एक कंपनी ओनर हो. तुमको मशीन चाहिए थी प्रोडक्शन के लिए. चाइनीज़ मशीन अवेलेबल थी तुमने ले ली. ठीक है ना. अब जो टेक्नीशियन है अब वो कह रहे हैं कि टेक्नीशियन जो चाइनीज़ टेक्नीशियन है उसी को पता है वो कैसे चलेगी. ठीक है ना. अब जो इंडियन टेक्नीशियन है जिस मशीन से 150 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं आइटम्स बन सकती हैं एक टाइम पर वहाँ पर इंडिया वाले 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. 50 का नुकसान हो रहा है. ठीक है ना. वो बहुत बड़ा नुकसान होता है कंपनी को. तो वो कह रहे हैं कि भैया चाइनीज़ जो टेक्नीशियन है उनके वीज़ा जो है वो अलाउ करे जाएँ. ठीक है. अब ये पढ़ते हैं. Recently accepted claims by Indian companies that a significant skill gap exists between Chinese and Indian factory supervisors and workers. वो कह रहे हैं skill gap है. जो Chinese के पास skill है वो Indian supervisors और उनके पास skill set नहीं है. A well-off shoe manufacturer explained Chinese professionals are highly productive. They can help you produce 150 items with the same resources which we produce 100. जिससे हम 150 वो 150 प्रोड्यूस कर सकते हैं जूते हम 100 प्रोड्यूस कर सकते हैं. 50 का नुकसान हम क्यों झेले. कंपनी वाले कहते हैं चाइनीज टेक्नीशियन को आने दो. फ्रॉम फुटवेयर एंड टेक्सटाइल्स टू इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन बिजनेसेस हैव परचेज machines from China but cannot use them productively without the help of Chinese technicians. Problem क्या आ रही है कि हमारे यहाँ पर जो production हो रही है वो कौन सी machines use करके कर रहे हैं. हम Chinese machines use कर रहे हैं but वहाँ से हम Chinese technicians क्यों नहीं आ पा रहे. क्योंकि visa approve नहीं हो रहा है. ठीक है ना. तो ये अब एक दिक्कत है. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम ये दिक्कत लिख लेंगे. ठीक है ना. Indian manufacturers have purchased machines from China but cannot use them productively without the help of Chinese technicians. अब Chinese technicians क्यों नहीं आ पा रहे. Government not approving visa. क्यों नहीं approve कर रहे visa. क्योंकि भाई चाइना वाले चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है. तो ये दिक्कत है. ठीक है ना. तो ये दिक्कत आ रही है ये हमें पता होना चाहिए. अ रॉकेट अटैक ऑन फुटबॉल ग्राउंड इन मजदाल शाम्स इन द गोलन हाइट्स. कल हमने पढ़ा था गोलन हाइट्स सीरिया से लिया हुआ है ना इसराइल ने. उसकी हमने डेट्स वगैरह भी नोट करी थी ईयर कब क्या हुआ. इन विच 12 यंग पीपल वर किल्ड. तो हाजमोला कहाँ का है. लेबनन का है. तो लेबनीज खाना बड़ा फेमस होता है. ठीक है. लेबनीज खाकर क्या चाहिए होता है हाजमोला. ठीक है ना. तो यहाँ पे रहे हिजबोला.
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये इन्होंने हाजमोला, इन्होंने अटैक किया गोलन हाइट्स पर, इजरायली बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद हैज टेकन वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ, अब वो कह रहे हैं कि वॉर जो है वो बढ़ सकते हैं, हमास के साथ तो ऑलरेडी चल रहा है। हजबोला जो है लेबनन पावरफुल शिया मिलिट्रिया बैक्ड बाई ईरान, ईरान इनकी बैकिंग है। हजबोला के पास 1,50,000 रॉकेट्स तो पर है ही हैं, और भी ईरान जो है वो देता रहता है, तो इनके पास खूब चीज़ें हैं। ठीक है, 2006 के अंदर हिजबोला और इसराइल की वॉर हुई थी, फुल ब्लोन वॉर हुई थी, जिसके अंदर इसराइल को ज़्यादा नुकसान हुआ था। हिजबोला ऑल्सो टेक्स क्रेडिट इन फोर्सिंग इसराइल टू विदड्रॉ फ्रॉम सदरन लेबनन आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एंड सिंस 2006 हिजबोला हैज़ बिल्ट स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड अ ह्यूज पाइल ऑफ वेपन्स। तो ये भी हम नोट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि यहाँ पर हिजबोला अटैक्स इसराइल, ठीक है ना, लिखा तो इसराइली जाएगा, भी इसराइली रह रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। हमें तो अपने नोट्स से वो करना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। लोग मैसेज करने लग जाते हैं तो तुमने ये कैसे लिखा, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है और तुम्हें समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक ऑन फुटबॉल ग्राउंड इन मजदल शैम्स इन गोलन हाइट्स, ठीक है ना, किल्ड यंग पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर हिजबोला क्या है, ये हमने कल भी लिखा था, हिजबोला लेबनन्स पावरफुल शिया मिलिट्री दैट इज बैक्ड बाय ईरान, ईरान बैक करता है इसको, कहाँ पर रूल करता है हिजबोला, मिलिटिया है मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट है ये, ठीक है। अब इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर हम इनकी देखें, इसराइल और हिजबोला की, तो क्या हिस्ट्री रही है इनकी, सबसे पहले तो 2006 इसराइल एंड हिजबोला फॉट एन ऑल आउट वॉर, ठीक है ना, हाँ पूरी वॉर, ठीक है। इसके अंदर तो हिजबोला टेक्स क्रेडिट, मतलब इन्होंने क्या क्रेडिट इनफोर्सिंग इसराइल टू विदड्रॉ फ्रॉम सदरन लेबनन आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, मतलब इनको निकाला गया बाहर ऑक्यूपेशन सिंस 2006, ठीक है ना, वो वॉर लड़ी और उसके अंदर ऑक्यूपेशन मतलब इसराइल ने अपने अंदर रखा हुआ था, बट फिर इनको लात मार दी गई, ठीक है। सो व्हेन सेंटर डिड नॉट एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ 30/24, अब यार सेंसस क्या होता है, सेंसस पॉपुलेशन की काउंटिंग करना, सारा डाटा इकट्ठा करना कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, कौन सा इंसान क्या कर रहा है, उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी नौकरी कर रहा है वो, ये सब डाटा इकट्ठा होता है। हमारे इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस होता है, 2021 में होना चाहिए था, नहीं हुआ, 2024 आ गया है, अभी तक नहीं हुआ है, तो ये एडिटोरियल उसी के दुख में है कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब 2021 में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोविड भैया आ गए, ठीक है ना, अब देखो कब होता है, ठीक है। और ये यही कह रहे हैं कि हर साल होता था, इन्होंने किया नहीं, बहुत ही बुरे लोग हैं, ये सब बोला हुआ इसमें। हाँ, अब ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों नहीं पढ़ने का फ़ायदा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है। इंडियन साइंटिस्ट बिल्ड ब्रेक थ्रू जीन एडिटर आर एमिंग फॉर पेटेंट, ठीक है, जीन एडिट करेंगे, हाँ ये जो तुम्हारे आलसी वाले जीन है ना, ये देकर आऊँगी मैं वहाँ पर कि भैया इनको बना दो थोड़ा एक्टिव, ठीक है। Scientists from CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology New Delhi have developed an enhanced genome editing system that can modify DNA more precisely and more efficiently. ठीक है, तो यहाँ पे CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology New Delhi has developed क्या डेवलप किया है, has developed an enhanced gene editing
जीनोम एडिटिंग सिस्टम दैट कैन मॉडिफाई, मॉडिफाई माने चेंज, चेंज डीएनए, मोर प्रिसाइसली, बहुत ही प्रिसाइसली जो है डीएनए चेंज कर सकता है, ठीक है ना. मोर एफिशिएंट देन, मोर एफिशिएंट जो ये जीन एडिटिंग जो होती है, मोर एफिशिएंट देन एग्जिस्टिंग, इज एग्जिस्टिंग CPISPR टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पर अब हमें क्या क्लियर हो रहा है कि CPISPR जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो किस लिए होती हैं, दे आर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं वो, ठीक है ना. जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं ये, ठीक है ना. और कौन सी इंस्टीट्यूट ने, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने एक ऐसी जीन टेक्निक बना ली है, एडिटिंग टेक्निक, जो कि बहुत प्रिसाइसली, माइन्यूटली, बहुत ही माइन्यूटली डीएनए को एडिट कर पाएंगे. अब ये किसने बनाई है, क्वेश्चन कहेगा किसने बनाई है, ठीक है. आगे चलेंगे. इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट टू बी हेल्ड इन चेन्नई. कहाँ पे होगा नाइट स्ट्रीट इवेंट, चेन्नई में, ठीक है. इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ पर हो रहा है, चेन्नई में, ठीक है ना. और यहाँ पर एक और फर्स्ट एवर की भी बात हो जा रही है, इंडियाज फर्स्ट F1 ड्राइवर. कौन है इंडियाज फर्स्ट F1 ड्राइवर, नारायण कार्तिकेन. मुझे बनना था है ये, फिर घर वालों ने बताया बहुत पैसा चाहिए. घर वाले कहते बेटा नहीं है, पढ़ लो. मुझे बहुत शौक था कार रेसिंग का, बहुत ज़्यादा. चलो आगे चलेंगे. मडुरो डिक्लेयर्ड विनर ऑफ डिस्प्यूटेड वेनेजुला इलेक्शन, ठीक है. डिस्प्यूट हो गया था इसमें, बट हमको उससे कुछ लेना नहीं है. हमको क्या पता होना चाहिए कि वेनेजुला के इलेक्शन किसने जीता है. वो वेनेजुला के, वेनेजुला जुएला इलेक्शंस किसने जीते हैं, निकोलस, निकोलस मदुरो, ठीक है ना. मदुरा, मदुरा होता है ना वो जो ड्रिंकिंग वाला होता है, मदुरा, निकोलस, निकोलस. एनसीईआरटी प्रपोजेस 10 बैगलेस डेज. क्या कह रहे हैं कि जिंदगी जीवन सिखाओ, 10 बैगलेस डेज टू प्रोवाइड रिस्पाइट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8. द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी हैज प्रपोज्ड 10 बैगलेस डेज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई स्कूल्स इन अक्रॉस स्टेट्स. 10 बैगलेस डेज, बैग नहीं लेके जाना, ठीक है ना. तो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कर रही है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्रपोजेस 10 बैगलेस डेज अ ईयर फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास, फ्रॉम क्लासेस 6 to 8, ठीक है ना. अब यहाँ पे हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है. एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है. नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. 10 बैगलेस डेज होंगे. अब ये बैगलेस डेज में क्या हो गए, भोजा तो ढोना नहीं है, फिर क्या ढोएंगे. और हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ ना ढोया जाए तो ऐसे टीचरों को मज़ा नहीं आता. इट्स गाइडलाइंस द एनसीईआरटी सेट दैट टीचर्स वुड हैव टू प्लान एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग कारपेंटर्स एंड, अच्छा वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको चीज़ें सिखाएंगे. चलो ये भी बढ़िया है, कुछ और नहीं तो बच्चा घर के काम ही कर देगा, है ना. चलो टीचर्स वुड हैव टू प्लान, टीचर्स वुड हैव टू प्लान, प्लान एक्टिविटीज, activities for students to learn from local vocational experts. Vocational experts क्या होते हैं, vocational activities कौन सी होती हैं, gardeners, potters, carpenters, ठीक है ना, आर्टिस्ट्स,
तो ये है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि भैया कुछ ऐसा सा होना चाहिए, 10 bagless days, उस दिन बोझा नहीं उठाएंगे, उस दिन आरी उठाएंगे। चलो बनाओ कुछ। चलो आगे, इन अ लैंडमार्क रूलिंग, अब ये वही वाली जजमेंट है कि मिनरल्स पे टैक्स कैसे लगेगा, इसके ऊपर हम डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्लैट वाले बच्चे हैं उनके लिए टैक्स की डेफिनेशन और रॉयल्टी की डेफिनेशन पे लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये समझ लेना, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि रॉयल्टी क्या है, कंसिडरेशन जो पे कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट स्टेट के मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी स्टेट के मिनरल्स निकाल रहा है वो रॉयल्टी पे करेगा, कंसिडरेशन पैसा दे रहा है स्टेट को, तो उसको रॉयल्टी बोलेंगे, वो टैक्स नहीं है। और जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है वेलफेयर के लिए और ये सब। रॉयल्टी क्या है कि क्योंकि तुमने पैसा, तुम निकाल रहे हो हमारी ज़मीन में से मिनरल, तो तुम्हें पैसा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हें लीगल में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इतनी डिटेल में किसी एग्जाम में नहीं आएगा। और जो एनएलसैट वाले हैं उनको फिस्कल फेडरलिज्म पे जो है क्वेश्चन बन सकता है, वो भी एसे राइटिंग क्वेश्चन, कि कौन सा बन सकता है, फिस्कल फेडरलिज्म पे, ठीक है। और जो स्टेट पीसीएस वाले हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी डन है, ये कर चुके हैं हम, ठीक है। अब आगे चलेंगे, द क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है, क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप। अगर आपको वो पिछले वाला मिनरल्स वाला बाई चांस आपने मिस कर दिया तो कोई ना कोई आपको यार बता देना चार्ट्स में, ठीक है, जो रेगुलर है बच्चे वो बता देंगे आपको अपने नोट्स में से कि कहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। क्वाड जो है, एक मिनट, ये मोटा हो गया बहुत ज़्यादा। क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं इसको, ये क्या है, ग्रुपिंग है, इट इज़ अ इंटरनेशनल ग्रुपिंग। और इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है एंड यूएसए है। ये चार कंट्रीज़ हैं, और वर्ल्ड के मैप के ऊपर अगर आप इन चारों कंट्रीज़ को, इन चारों कंट्रीज़ को जोड़ दोगे तो क्वाड्रिलेटरल सा बन जाता है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। बहुत ही बेकार ड्राइंग है मेरी, ठीक है। तो अब ये चार, इसकी कंट्री, ये चार कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्ट हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर इंटेंट्स टू एक्सपैंड इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हमको एक्सपैंड करना है, क्या एक्सपैंड करना है इनको, ठीक है ना। इंटेंट्स टू, इंटेंट्स टू एक्सपैंड, कौन सा, क्या एक्सपैंड करना है इनको, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA, ठीक है ना। तो इनटू इंडियन ओशन रीजन, तो इंडियन ओशन रीजन में ये जो है ये बढ़ाना चाहते हैं अपना मैरीटाइम, मतलब डिफेंस और ये सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि चीना वहाँ पे बहुत कुछ कर रहा है, चीना समझ गया, चाइना, ठीक है ना। तो ये क्या लेकर आना चाहते हैं, ये वहाँ पर भी इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं IPMDA को इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वी कॉन्टिन्यू टू वर्क विद द पैसिफिक आइलैंड फोरम फिशरीज एजेंसी टू इन्हांस रीजनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन पैसिफिक थ्रू सैटेलाइट डाटा। वो कह रहे हैं पैसिफिक रीजन के अंदर हम पैसिफिक आइलैंड फोरम फिशरीज एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं पैसिफिक की, उसके लिए इन लाइन विद सच एसेट वी इन टू एक्सटेंड जोग्राफिकल एक्सपैंड टू, हम कहाँ पर एक्सपैंड करना चाहते हैं, इंडियन रीजन में, ठीक है ना। दे से दे विल कॉन्टिन्यू, they will continue to work with Pacific Islands, कहाँ पे काम करते रहेंगे ये already, where they'll continue working Pacific Islands Forum Fisheries Agency, ठीक है ना, क्या करने के लिए, to enhance, टू इन्हांस रीजनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस थ्रू सैटेलाइट डाटा ट्रेनिंग
ये सब कुछ ये कर रहे हैं. मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हम इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके हम पैसिफिक रीजन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और हम कहाँ पर एक्सपैंड होना चाहते हैं, इंडियन रीजन में भी एक्सपैंड होना चाहते हैं. IPMDA इज एम्ड एट इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल सी लेन्स. अब IPMDA का मेन कार्यक्रम क्या है, क्या करना चाहते हैं IPMDA? ठीक है, IPMDA is aimed at ensuring safety and security of critical sea lanes. बहुत इंपॉर्टेंट जो सी लेन्स है, और ये चाइना को वहां पर काउंटर करना चाहते हैं. कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम एक्टिविटीज इन इंडो पैसिफिक, ये नोट करेंगे. ठीक है, आगे चलेंगे. नहीं, ये नोट कर लेते हैं. सो IPMDA क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम है फॉर मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग मैरीटाइम एक्टिविटीज इन इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक में सिस्टम है मॉनिटर करने के लिए, और सिक्योरिटी सिस्टम है मैरीटाइम एक्टिविटीज का इंडो पैसिफिक के अंदर. ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि IPMDA इज एम टू इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल सी लेन्स. अभी इस टाइम पे वो काम पे काम कर रहा है, पैसिफिक एरिया में काम कर रहा है, पैसिफिक आइलैंड्स में, बट इसको एक्सटेंड कहाँ पे करना चाहते हैं, इंडियन ओशन रीजन में. ठीक है, उसके बाद ये क्वाड की इनिशिएटिव है, जिसको क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग भी कहते हैं. उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रिफ्यूज टू ऑर्डर इंटरिम स्टे. इंटरिम स्टे क्या होती है, टेम्परेरी स्टे जो होती है, टेम्परेरी स्टे ऑफ अ पटना हाई कोर्ट डिसीजन क्वाशिंग, खत्म करना है रिजर्वेशन अप टू 65%. अब बिहार के अंदर क्या हुआ, बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ. ठीक है ना, कास्ट सर्वे हुआ कि कौन सी कास्ट का क्या हाल है, ये सब करा. कास्ट सर्वे में पता चला कि नंबर ऑफ पीपल इन कास्ट हैव इंक्रीज, तो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन शुड बी इंक्रीज. तो उन्होंने परसेंटेज जो है 50% से 65% रिजर्वेशन कर दी. बट हमने कल ही पढ़ा था कि इंदिरा सानी की जजमेंट क्या कहती है. इंदिरा सानी की जजमेंट में ये कहा गया कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो. तो इसलिए यहाँ के पटना हाईकोर्ट ने बोला कि कतई नहीं अलाउ करूँगा 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नॉट अलाउड. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. मेधा पाटेकर को सेंटेंस हुई थी डेफेमेशन की, किसी की बेइज्जती करने के केस में, बट वो जो है सस्पेंड कर दी गई है. मेधा पाटेकर सेंटेंस इन डेफेमेशन केस सस्पेंडेड. अब अगर हम देखें सस्पेंडेड जो है डेफेमेशन केस के अंदर क्या है, और दिल्ली कोर्ट ऑन मंडे सस्पेंडेड द सेंटेंस अवॉर्डेड टू सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर नोन फॉर नर्मदा बचाओ आंदोलन. इनको किस लिए जाने जाते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन. ठीक है ना, आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक्टिविस्ट रही हैं ये. ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या था, द केस अगेंस्ट मिस पाटेकर वॉज लॉन्च इन 2001 व्हेन मिस्टर सक्सेना हेडेड द नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज एन एनजीओ. हिज ऑर्गेनाइजेशन हैज अपोज द मूवमेंट लेड बाय मिस पाटेकर दो एन एडवर्टीजमेंट पब्लिश. तो उन्होंने मतलब इन्होंने कहा था ये अगेंस्ट बोल रहे थे सक्सेना जी, और इन्होंने क्या बोल दिया मेधा पाटेकर में, ये तो कावर्ड है, नॉट अ पेट्रियॉट, मतलब देशभक्त नहीं है, कावर्ड है. तो ये हो गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक्टिविस्ट हैं. ठीक है, उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स अमेंडमेंट टू MQ-9B UAV डील विद US. तो हम क्या ले रहे हैं, UAVs क्या होते हैं, UAVs आर अनमैंड एरियल व्हीकल्स. ठीक है ना, अनमैंड एरियल व्हीकल होते हैं, दैट इज UAV. ठीक है, व्हाट इज इट, The Defence Acquisition Council chaired by Defence Minister Rajnath Singh on Monday reviewed and approved amendments to the deal for procuring 31 MQ-9B. कुछ amendments का मतलब क्या होता है, changes. अब deal में कुछ changes करने थे, वो इन्होंने approve कर दी हैं. ठीक है ना, क्या acquire करना है, HAL, that is High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle from General Atomics of the US Defence Forces. The DAC was also approved to a proposal
The DAC also gave approval to a proposal regarding the scheduled refit of aircraft carrier. मतलब इनका refit होना है, कुछ changes होने हैं INS विक्रमादित्य में, वो भी approve कर दिया. INS विक्रमादित्य क्या है? Aircraft carrier है. Aircraft carrier क्या होता है? वो जिस ship पे जो aircraft है वो land और take off कर सकते हैं. The amendment approved are within the scope of acceptance of necessity that was granted by MQ-9B. The MQ-9B deal and G414 jet engine deal are expected to be concluded during the visit of the US President to India. तो US President India आने वाले हैं और तब I think ये conclude हो जाएंगी. India is looking to procure 31 MQ-9B UAVs, 15 Sea Guardians, 15 for the Navy and 16 for Army and Air Force, 8 each. ठीक है. अब इसके बाद as part of the general economic atomics deal is scheduled to establish a global maintenance repair and overhaul facility in India which could count towards offset obligations. DAC also accorded ANU. अब यहाँ पर हम starting से चलते हैं. सबसे पहले हम क्या US से acquire कर रहे हैं? हम USA से India to acquire UAVs from USA. India UAVs acquire करेगी कहाँ से? USA से. UAVs क्या होते हैं? Unmanned aerial vehicle. क्या है ये? Unmanned aerial vehicle. ठीक है ना. अनमैंड एरियल व्हीकल यूएसए से एक्वायर कर रहे हैं. मतलब वो व्हीकल जिनसे फोटोज खींचते हैं ना वैसा सा कुछ, बट कुछ अच्छे वाले. इनका नाम क्या है? हेल. दैट इज हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैंड एरियल व्हीकल्स. ठीक है ना. अब ये हम कितने ले रहे हैं? हम 31 MQ-9B ले रहे हैं जिसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं? हम 16 नेवी को दे रहे हैं, नहीं 15 सी गार्डियंस और 16 स्काई गार्डियंस. 15 सी गार्डियंस और 16 स्काई गार्डियंस, 16 स्काई गार्डियंस. जो सी गार्डियन है, सी का गार्डियन हमारा कौन है? नेवी. तो ये नेवी को दे रहे हैं, ये 15 नेवी को दे रहे हैं और 16 के अंदर बंटवारा करेंगे 8 आर्मी को और 8 एयरफोर्स को. ठीक है. तो ये हो रहा है इनका. उसके बाद यहाँ पर ये तो इनका MQB-94 उसका है. और जो एक और चीज़ हमारी चल रही है डील, वो क्या चल रही है? GE-414 जेट इंजन डील. GE-414 जो जेट इंजन डील है वो भी हम USA की जनरल अटोमिक्स से कर रहे हैं और इसके अंदर जनरल अटोमिक्स इज शेड्यूल टू इस्टैब्लिश ग्लोबल मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल. दैट इज MRO. ठीक है ना. रिपेयर करने के लिए सिस्टम बनाएंगे जनरल एटॉमिक्स वाले. तो इसकी बात चल रही है. अब और क्या हम कर रहे हैं? अब हमें प्रोक्योरमेंट ऑफ, हम ये भी सोच रहे हैं ठीक है ना, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम. एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम की प्रोक्योरमेंट भी हम करने की सोच रहे हैं. प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदने की सोच रहे हैं ठीक है ना. जिसको क्या बोला जाता है? ALNS. किसके लिए? फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, दैट इज AFVs ऑफ द आर्मी. ठीक है ना. इसके लिए कुछ ये खरीद रहे हैं, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम. नेविगेशन के लिए, डायरेक्शंस के लिए खरीदना चाह रहे हैं. द ALNS MK2 ऑफर्स कंपैटिबिलिटी विद डिफेंस सीरीज मैप रिजल्टिंग इन वेरी हाई एक्यूरेसी नेविगेशन एप्लीकेशंस. द इक्विपमेंट विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. और ये हम इंडिया से ही प्रोक्योर कर रहे हैं. इक्विपमेंट विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम, ये तो बहुत ही खुशी की बात है. विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम कहाँ से होगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. कहाँ से प्रोक्योर करेंगे इसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से प्रोक्योर करेंगे
ठीक है, अब आगे चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट बिगिंस विद वीक लॉन्ग लोक अदालत ड्राइव. लोक अदालत क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस को खत्म करने की एक साथ कोशिश करी जाती है. द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे कमेंस एट वीक लॉन्ग स्पेशल लोक अदालत ड्राइव टू एमिकेबली फ्रेंडली मैनर में केस को खत्म करने की, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स को खत्म करने की कोशिश करी जाएगी. 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है. उसके बाद फ्रॉम टुडे टिल फ्राइडे वी विल हैव द सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत एंड दिस फर्स्ट 7 बेंचेस विल सिट फॉर इट. इफ लॉयर्स हैव केसेस विच कैन गो बिफोर द लोक अदालत प्लीज ब्रिंग दैम. तो लोक अदालत के अंदर कोई भी केस, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट्स, कोर्ट कंडक्ट्स लोक अदालत ड्राइव. तो लोक अदालत ड्राइव में ये क्या कर रहे हैं, वॉट आर दे डूइंग लोक अदालत ड्राइव में. लोक अदालत ड्राइव में दे आर ट्राइंग टू एमिकेबली सेटल लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एमिकेबली सेटल लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स, ठीक है ना. अब इसके अंदर क्या है, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. अब ये 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन देख लो किसकी कर रहे हैं, ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा. सेलिब्रेशंस, ठीक है, चलो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की ही है. सेंटर्स इंटर्नशिप स्कीम, हमने कल पढ़ा था इंटर्नशिप स्कीम. बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इंटर्नशिप लगवाएंगे तो लोग बहुत खुश हैं कि इससे बहुत स्किल सेट डेवलपमेंट होगी, लोगों को काम करना आएगा, ठीक है ना. तो अब इसकी अभी डिटेल्स बाहर नहीं हुई है, अभी सिर्फ खुशियां मनाई जा रही है. जब डिटेल्स आ जाएंगी तो हम लिख देंगे. सो गाइज, ये है loggery.in पर आप जा सकते हैं. जून के कंपाइलेशंस जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना. वैसे वहां पर आपके पास अब पिछले जून से लेकर इस जून तक की कंपाइलेशंस जो हैं वो पूरी कंप्लीट है. यहाँ पे 7 to 8 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स होते हैं पूरे मंथ के, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है सेव हो जाता है. डीजी नोट्स भी मिलते हैं और वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, और वैलिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा मिलती है. एग्जाम्स के अकॉर्डिंग रखी गई है वैलिडिटी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. उसके बाद MCQs जो है अप्रैल तक के हैं. मई के MCQs बहुत जल्द डल जाएंगे, मैं काम कर रही हूँ. मई और जून जुलाई के MCQs आपके डल जाएंगे एंड वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. करंट अफेयर्स के, ये भी करंट अफेयर्स के, ठीक है ना. एंड ऑल्सो आपको अगर नहीं पता तो मैंने जनवरी टू जून 2024 के कंपाइलेशंस को एक साथ करके दे दिया है आपको, जो 1500 का आपको पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको 300 का डिस्काउंट मिल रहा है ओवरऑल, ठीक है. अगर आपको वो बाय करना है तो वो भी मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड हमने NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, तो इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन आंसर राइटिंग कोर्स तो आप वो loggery.in पर चेक कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको पर्सनलाइज्ड बिल्कुल चेकिंग होगी. तो आपको अगर आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है NLSAT के, तो ये ज़रूर ज्वाइन करें. इसमें आपको बिल्कुल आंसर राइटिंग लिखवानी सिखाई जाएगी, ठीक है. दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ.